अस्सलामुअलैकुम द पीपल ऑफ हॉरपैक्स, आ गए मैं और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले करना क्या, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपने बड़े लोगों को मैंने देखा है कि 96% लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, यानी मेरा मतलब सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, और 1% ने या 4% ने तकरीबन सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, उसके बाद मैं ट्यूटोरियल दूंगा, ठीक है, कर दिया। हाँ, अभी ट्यूटोरियल देना। अब आपने करना है मेरी वीडियो को लाइक। यार लाइक आप करते नहीं हो, मैंने देखा है 4000 व्यूज़ हैं, लाइक कितने हैं, 100-150 बस, ये तो नहीं ना चलेगा। लाइक करो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो। ट्यूटोरियल चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया, तो आप अभी सिंपल क्लिप देख लो मैंने किया क्या हुआ है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल सा वेलोसिटी क्लिप है, यानी मैंने इस पर कोई मेहनत नहीं की हुई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अपना मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी स्कोप की कटिंग। तो मैं इसको यहाँ से, जहाँ से ये स्कोप ये हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाने के बाद आपने क्या करना है, अगर जिनको कीज पता है कीज कर ले, नहीं तो यहाँ से एडिट में जाओ, ठीक है। एडिट में जाने के बाद यहाँ से स्प्लिट लेयर पर क्लिक कर दो, ये डबल हो जाएगी। अब इसके एंड पे चले जाना, यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी जाके वही सेम प्रोसेस करना है आपने, यहाँ से जाके स्प्लिट लेयर कर देना है, ये लादा हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूरी एडिटिंग करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इस सेंटर वाले क्लिप पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चले जाना है इसके शुरू में, ठीक है। शुरू में जाने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रही है, रोटो ब्रश टूल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो, और इस पर डबल क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद आपने क्या करना है, इस पर पूरी आउटलाइन बना देनी है, ठीक है। मैंने इस तरह आउटलाइन बना ली है, बनाने के बाद इसको ऐसे कर दो, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद आपने क्या करना है, स्पेस वाला बटन दबा देना, तो यहाँ से रेंडरिंग होने लग जाएगी, ओके। अभी भी कह रहा हूँ लाइक कर दो, मैं बता रहा हूँ लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही देना, आपने इतने अच्छे ट्यूटोरियल देखे, लाइक कर दो, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देख लो, ये हो गया, ओके। अब आपने क्या करना है, इस पर ये जो ये लाजमी कर देना, ठीक है, इस पर फ्रीज के बटन पर क्लिक कर दो, ठीक है। ये एक बहुत कमाल की रेंडरिंग है, ठीक है, इससे ज़रा स्मूथ हो जाता है थोड़ा बहुत, ओके। और अगर आप वॉइस पे भी ट्यूटोरियल लाना चाह रहे हो, थंबनेल पे भी लाना चाह रहे हो, तो लाना तो सच मैंने है, देखा ज़बान मेरी इस तरह काफ़ी हो जाती है। अगर आपने थंबनेल बनाना सीखना है, यानी जिस तरह के मैंने लगाए हुए हैं, तो उसका भी मुझे जल्दी से कमेंट करो, मैं आपको उसका भी ट्यूटोरियल दे दूँगा। और जो लोग खसूसी शेक पंप पे कह रहे हैं कि बना दो, लेकिन मैं उस पर अभी बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लोगों ने देख के निकल जाना है, इसलिए मैं अपने साथ लोगों को रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये हो गया, तो अब देख लो हो गया। होने के बाद आपने क्या करना, अपनी मेन कंपोजिशन में चले जाना है, तो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अभी ज़रा प्यारा नहीं लग रहा, ये देखो। अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके कंट्रोल और डी को दबाना है, कंट्रोल डी को इकट्ठा दबाओगे ना तो ये दो हो जाएंगी। दो होने के बाद नीचे वाली को आपने क्या कर दिया, मैं इसका, अच्छा ये है, हाँ, तो नीचे वाली में जाना है आपने। नीचे वाली में जाने के बाद आपने इसका जो ये मैंने इफेक्ट डाला ना, रोटो ब्रश टूल एच, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, अभी भी ये सेम ही लगेगा। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है मोशन, मोशन लिखोगे ना सबसे आसान लफ्ज़ है, यहाँ स्टाइलाइज में मोशन टाइल लिखा होगा, इसको आपने दबा के नीचे वाले पे रख देना। रखने के बाद आपने चले जाना है पीछे,
पीछे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है 980, ठीक है, यहाँ से भी लिखना है 980, ठीक हो गया। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसके शुरू में जाना है, शुरू में जाने के बाद इस पर क्लिक करना है और पी दबाना है, पी ए बी सी डी एफ जे जे के जगह मैंने पी, ठीक है, पी दबाओगे यहाँ पोजीशन आ जाएगा, अब पोजीशन पे ये टाइम वाला दबा देना है, ठीक है। अब चले जाना है आके यहाँ एंड पे चले गए, एंड पे जाने के बाद आपने ये इसको कर देना है काफ़ी ज़्यादा, ठीक हो गया। नहीं अभी ये काम है, और ज़्यादा कर दो, आप देखते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी होने के बाद आपने लिखना है डायरेक्शनल ब्लर, ये इसको चुक के यहाँ पे रख देना, ठीक है। रखने के बाद अभी इसको यहाँ पे रोको, रोकने के बाद एक काम करो कि इसका जो है ये रख दो आप, क्या नाम है इसका, 90 डिग्री पे इसका ये रख दो और इसको फुल मैक्स कर दो जितना कर सकते हो, ठीक है, मैंने फुल कर दी, फुल कर दिया। यहाँ पे अब हमारा ये स्कोप इफेक्ट बन गया है, तो अभी हम इसको रेंडर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो आप, ठीक है, अभी ये देखो यहाँ से थोड़ा स्मूथ नहीं है, मैं इसमें और भी अभी इफेक्ट ऐड करके आपको आउटपुट दिखाऊंगा, ठीक हो गया, गुड हो गया। अब इतना सा हमारे देखो इतना छोटा सा ट्यूटोरियल बन गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये चैनल बड़ा आपके फ़ायदे में काम आने वाला है, फ़ायदे में आने वाला है, और जो समझ लो आपकी हेल्प करेगा ये चैनल, बड़ा एक कमाल का चैनल है, ठीक है। आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना, और ट्यूटोरियल देखना है लाइक करना है चले जाना है, फिर ट्यूटोरियल देखना है फिर लाइक करना है चले जाना है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और एडिट करता हूँ, ओके, और एडिट करने के बाद आपको अपना आउटपुट भी दिखाता हूँ, और इनपुट आपने एडिटेड पहले से देख ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़।